बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 7। पेज नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 2 के हम सारे पार्ट्स कर चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है फाइल मैनेजर एंड इमेज व्यूअर। फाइल मैनेजर हमने कल भी किया था। पेज नंबर 25 पे इसका आंसर है। ये देखें, फाइल मैनेजर जितना हमने कल किया था उतना ही आपने करना है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद है इमेज व्यूअर। इमेज व्यूअर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम डेट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट व्यू एंड मैनेज इमेजेस। इमेजेस जो तस्वीरें आती हैं उसको, उनको देखना, उनको मैनेज करना, एक ही फोल्डर के अंदर उनको रखना, ठीक है, ये इमेज व्यूअर का सारा काम है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो दिस यूटिलिटी प्रोग्राम कम्स विद द नेम ऑफ विंडो पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर, ठीक है। इस नेम से ये आपको मिलेगा यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर, ये इमेज व्यूअर आपने यहाँ तक करना है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट है, ठीक है। डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन, इसलिए हमेशा लाइन लगा के तो दो साइडों पे ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। पेज नंबर 29 एंड 22। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम डेट कंट्रोल एंड डायरेक्ट दी ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो इसके हार्डवेयर पार्ट्स हैं यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। एंड सॉफ्टवेयर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अ यूज़र कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन पार्ट्स के बगैर कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर जो सा है वो काम नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर जो डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पेज नंबर 29 है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेट इनेबल्स या हेल्प यूज़र टू डू स्पेसिफिक वर्क्स ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। एक ख़ास किस्म का काम अगर आपने करना है तो वो यूज़र जो है उसकी हेल्प करेगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स अ यूज़र टू प्रोड्यूस, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कुछ तस्वीरें बनानी हैं, कोई आपने कैलकुलेशंस करनी है, गेम्स खेलनी है, म्यूज़िक प्ले करना है या मूवीज़ कुछ भी एक्सेट्रा, इस तरह का कुछ भी आपने करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करेगा आपकी। ये सेकंड पार्ट जो है डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ये भी पेज नंबर 29 पे नीचे ये देखें। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डिवेल्प टू एंटरटेन यूज़र, ठीक है, एम्यूज़ करता है, तफरी फ्राहम करता है, समझ लें। कंप्यूटर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द इंटरटेनमेंट। अगर आपने कंप्यूटर पे इंटरटेनमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री हैं तो आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं तो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा। यूज़र कैन प्ले क्रिकेट, फ्लाई एजेट कीट खेल सकता है, खेल सकते हैं आप, कोई जहाज़ उड़ा सकते हैं, बैटल विद मॉन्स्टर्स आप लड़ाई की गेम्स जो है वो खेल सकते हैं, रन फेवरेट म्यूज़िक अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक चला सकते हैं, वीडियोस चला सकते हैं जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ये पेज नंबर 31 पे। एजुकेशनल, जाहिरी बात है इसके नाम से पता चल रहा है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, तो आपको स्टडी से रिलेटेड हेल्प करेगा। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हेल्प अ यूज़र टू लर्न पर्टिकुलर स्किल, मुख्तलिफ महारतें जो हैं सीखने में ये मदद करता है। दीज सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर हेल्प एंड गाइडेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में गाइड करता है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, अरबिक है, और जो भी सब्जेक्ट मर्जी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं, ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, ठीक है बच्चे। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये शॉर्ट में कंसीडर किए जाते हैं डिफरेंशिएट में, ठीक है। आपने डिफरेंशिएट में लाइन लगा के इन्हें अपनी नोटबुक्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है तीनों पार्ट्स को, और आपने इन्हें याद भी करना है।